हेलो एवरीवन, आई नमित कुमारी, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल कॉमर्स हरी गेम्स। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, ये टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर सभी में यूज़ होने वाला है। एंड इवन अगर आपके पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तब भी ये टॉपिक यूज़ होगा। और ये जो टॉपिक है ये सभी आपके, चाहे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, कुछ भी है, उन सभी में सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको अभी समझ लेते हो तो आगे 3-4 जितने भी चैप्टर्स हैं आपके या जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी में ये आपको हेल्पफुल रहेगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस लाइक पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए मेरी वीडियोज़ पर। ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज़ रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट या रिवैल्यूएशन होता क्या है, इसके लिए आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मैं एडमिशन से स्टार्ट कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा मत समझना कि ये एडमिशन का कॉन्सेप्ट है, ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सभी में यूज़ होने वाला है और सेम ही है। तो सपोज़ करते हैं कि हम 2010 में पी एंड क्यू दो पार्टनर्स थे जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस के टाइम पर उन्होंने कुछ एसेट्स खरीदी। ठीक है, उनमें से मैं एक एसेट यूज़ करती हूँ जिसका नाम है लैंड। सपोज़ करते हैं उन्होंने एक लैंड खरीदा जिसकी वैल्यू थी 5 लाख। क्लियर है? अब कुछ टाइम के बाद, यानी कुछ सालों बाद, उनको ये फील होता है कि हमारे बिजनेस में किसी और को भी एडमिशन देना चाहिए और उनको पता लगता है दैट आर इज़ इंटरेस्टेड टू एडमिट इनटू द पार्टनरशिप। ठीक है, आर इंटरेस्टेड है आने के लिए। तो 2014 में मिस्टर आर बिजनेस में आ गए और अब हमारे पार्टनर हो गए 3, PQR। ठीक है, और सपोज करते हैं कि जो लैंड आपने 5 लाख का खरीदा था उसकी वैल्यू बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आप सबको पता है लैंड की वैल्यूज बढ़ती हैं, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती रहती है। ठीक है, तो हमने अजम्पशन ले लिया कि वैल्यू जो है वो 7 लाख हो गई है। क्लियर है? अब देखिए आप कितने का फर्क आया, 2 लाख का, यानी आपको 2 लाख का फायदा हो रहा है ना। यहाँ पर आपकी वैल्यू 5 थी, अब वो 7 हो गई। अब आगे जाके क्या होता है कि 2018 में सपोज करते हैं इन तीनों का माइंड चेंज हो जाता है और ये कहते हैं कि पार्टनरशिप खत्म कर देते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप भी बंद कर दो, फर्म भी बंद कर दो। अब उन्होंने जाके जब 2018 में देखा तो उन्होंने मार्केट में अपनी लैंड की वैल्यू पता की तो उनको पता लगता है कि मार्केट में जो वैल्यू है वो हो चुकी है 10 लाख। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस आया, 3 लाख का। क्लियर है? अब जरा समझिए इस बात को। जब मिस्टर आर ने बिजनेस में एंटर किया, सपोज करते हैं आपने कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, अभी मैं बताऊंगी कि क्यों बनाया हमने। सपोज करते हैं आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, यानी कि आपने चेक नहीं किया कि आपकी लैंड, बिल्डिंग या आपकी कोई भी एसेट्स जो पड़ी हैं आपके पास उनकी एट प्रेजेंट क्या वैल्यू है, मतलब कि आर के एडमिशन के टाइम उनकी क्या वैल्यू है, आपने पता नहीं किया। ठीक है, आपने उसको ऐसे ही बिजनेस में एंटर कर दिया और उसके बाद जब बिजनेस खत्म करने की बारी आई तब आपने अपने एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेक की। अब आपने चेक किया, आपको पता लगा जो चीज़ पहले 5 लाख की थी एकदम शुरुआत में, आज वो कितने की है, 10 लाख की। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपको देखा जाए तो 5 लाख की चीज अब जब बिजनेस बंद हो रहा है 10 लाख की हो गई है, यानी कि टोटल फायदा कितना हो रहा है, 5 लाख। यहां तक समझ आया? टोटल 5 लाख का फायदा हो गया। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि आप मिस्टर आर को क्या ये वाले 2 लाख में हिस्सा देना चाहोगे? मतलब कि जब आर ने एंट्री ली 2014 में, उससे पहले तो सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे थे और जो लैंड की वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है 2 लाख की, क्या उसमें आर का हिस्सा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना आर का हिस्सा। अच्छा ये बताइए, क्या आर का हिस्सा 7 लाख से 10 लाख जो वैल्यू आई है इसमें, यानी 2014 से 18 के बीच में ये जो 3 लाख की वैल्यू इंक्रीज हुई है, क्या इसमें आर का हिस्सा होना चाहिए? होना चाहिए ना, क्योंकि यहां पर तो आर था ही नहीं, तो हिस्सा किस बात का? अब यहां पर आर आ गया है तो आपको हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है ना, अब सपोज करते हैं कि आपने यहां अपनी एसेट की वैल्यू चेक की ही नहीं, आपने देखा ही नहीं कि मेरी वैल्यू क्या थी जब मिस्टर आर का एडमिशन हुआ। तो बिजनेस खत्म होने के टाइम आपने क्या देखा, जी 5 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, तो मिस्टर आर को आप वो कहता है कि मुझे 5 लाख में शेयर दीजिए, क्योंकि जब बिजनेस बंद होता है तो सारा पैसा बांट दिया जाता है पार्टनर्स में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपने यहाँ 5 लाख में देने की बात की, क्या वो जायज़ है? क्या आर को 5 लाख में हिस्सा मिलना चाहिए? नहीं ना, आर को तो 3 लाख में हिस्सा मिलना चाहिए, जितने साल उसने काम किया उतने में ही तो हिस्सा देना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तब भी हम अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेक करते हैं। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से एग्जिट करता है, मतलब बिजनेस छोड़ के चला जाता है, तब भी हम अपने एसेट्स एंड वैल्यूज, जो लाइबिलिटीज़ पड़ी हैं उनको चेक करते हैं। ठीक है, या डेथ हो जाती है या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कुछ भी, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी चेंज आता है तो यहाँ पर ये वैल्यूएशन आपको करनी पड़ेगी।
और वैल्यूएशन करने के लिए हम क्या अकाउंट यूज़ करते हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि हमारी एसेट्स और हमारी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में कितना चेंज आया, वो बढ़ी हैं या वो घटी हैं, ठीक है, ताकि फाइनली जो भी प्रॉफिट बचा, यानी कि जब आपने आर को एडमिट किया और आपने देखा कि आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो ये 2 लाख का प्रॉफिट सीधा सीधा इनमें बांट दो, ठीक है, ताकि यहाँ आके कोई झगड़ा क्रिएट ना हो, वरना मिस्टर आर तो 5 लाख में हिस्सा मांगने लग जाएगा। तो आप उसके आने से पहले ही 2 लाख आपस में बांट लो, उसके आने के बाद जो प्रॉफिट हुआ उसमें उसका शेयर दे दो। क्लियर हो गई बात? तो ये ज़रूरत है रिवैल्यूएशन को बनाने की। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है? देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्या नोट कर रहे हो कि आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में क्या कमी हुई है या क्या इंक्रीमेंट हुआ है, यानी आपको फ़ायदा हो रहा है या आपको नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और प्लस वन में आप सभी ने पढ़ा होगा कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी ये जो डेबिट साइड है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड रिप्रेजेंट करने वाली है, और क्रेडिट क्या करेगी? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? इनकम एंड गेन, यानी कि अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट हो रहा है तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा, और लॉस हो रहा है तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। क्लियर हुआ? अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ठीक है। छोटे छोटे से एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास एक मशीनरी है जो कि पहले थी 5 लाख की, ठीक है। 5 लाख की मशीन थी और मैंने जब उसका रिवैल्यूएशन किया तो मुझे पता चलता है कि उसकी वैल्यू घटकर 3 लाख हो गई है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा होगा, उसकी वैल्यू 3 लाख हो गई है। अब आप बताइए मुझे फ़ायदा है कि नुकसान है? 5 लाख की एसेट थी जो कि 3 लाख की हो गई, तो मुझे तो नुकसान हुआ है, क्योंकि एसेट तो मेरी चीज़ थी, वो वैल्यू डिक्रीज हो गई है, नुकसान हो रहा है। तो नुकसान कहाँ रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड पर, क्योंकि यहाँ पर क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करोगे, अगर आपकी एसेट की वैल्यू में कोई भी डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक है, तो वो हमेशा यहाँ रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो एक तरह का लॉस है। क्लियर हुआ? अब एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपके पास रिपेयर की एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर, या सपोज आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके पास थी 10,000 की, ठीक है। बाद में आपने बैलेंस शीट चेक की या बुक्स चेक की और आपको पता चला कि रिवैल्यूएशन के टाइम मेरी जो लाइबिलिटी है वो 10,000 नहीं, वो तो 13,000 थी। अब क्या हुआ? लाइबिलिटी जो आपने किसी को 10,000 देने थे, अब आपको कितने देने पड़ रहे हैं? 13,000। तो यानी कि 3,000 का क्या हो रहा है? आपको लॉस हो रहा है ना, दोबारा एक्सपेंस हो रहे हैं आपके पास, कि 3,000 के और एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। पहले तो 10 करने थे, अब 3 और करने पड़ गए, 13,000 हो गए ना। तो इसीलिए इंक्रीज इन लाइबिलिटी भी एक तरह का नुकसान है आपके लिए, कि आपको एक्सपेंस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर और क्या रिकॉर्ड करेंगे आप? इंक्रीज इन लाइबिलिटी। बात समझ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर रिकॉर्ड किसको करना है? जितने से फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। जैसे कि लाइबिलिटी कितने की थी? पहले 10 थी, अब 13 हो गई, तो कितने का नुकसान हुआ? 3,000 का। यहाँ पर एसेट कितनी थी? 5 लाख, सॉरी, मशीनरी थी 5 लाख की, बाद में रिवैल्यूएशन का टाइम वो रह गई 3 लाख की, तो नुकसान कितना हुआ? 2 लाख का। जितने का नुकसान हुआ है भाई, उतना ही तो दिखाएंगे, ठीक है। अब एक बात देखते हैं कि हमने फिर से अपनी बुक्स को खंगाला एक बार, अपनी बैलेंस शीट को देखा, सब कुछ देखा, क्योंकि हमें सब चीज़ें ख़त्म करनी है और फिर नए सिरे से काम शुरू करना है, क्योंकि मिस्टर आर एडमिट होने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपने देखा कि अरे, हमारे पास एक ऐसी लाइबिलिटी थी जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है। मतलब कि सपोज आपने किसी का रिपेयर का बिल पे करना था 1,000 का, जो आप रिकॉर्ड करना भूल गए। देयर इज़ अ लाइबिलिटी फॉर समथिंग, कुछ भी नाम, 1,000। अब क्या हुआ? आपके ऊपर फिर से एक एक्सपेंस क्रिएट हो गया 1,000 रुपये का। तो क्या है? क्या वो आपका फ़ायदा है? नहीं ना, तो आपका एक और एक्सपेंस है, नुकसान है। तो वो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पर। तो हम इसे क्या कहेंगे? इंक्रीज इन अनफॉरसीन लाइबिलिटी, ठीक है। अनफॉरसीन लाइबिलिटी यानी जो देखी नहीं थी, या इसको एक और नाम से बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। किसी भी नाम से आप इसको बोलो, बात मतलब एक ही है। तो ये बन गया जी 1,000 का। क्लियर हो गया? देखिए, बुक्स में फॉर्मेट बना हुआ है और रट्टे भी लगा लोगे आप, बट आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मेट बना क्यों, बेसिक क्या था उसके पीछे, ठीक है। यहाँ डिक्रीज इन एसेट ही क्यों आता है, यहाँ इंक्रीज इन लाइबिलिटी ही क्यों आता है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं
कि हमारे हमारे पास एक मशीनरी लैंड पड़ा हुआ था जिसकी वैल्यू थी 10 लाख, एक लैंड जिसकी वैल्यू थी 10 लाख, और रिवैल्यूएशन के टाइम आपको पता चलता है कि उसकी वैल्यू बढ़कर हो गई है 10,50,000। तो अब क्या हो रहा है आपको, फ़ायदा कि नुकसान? क्या थी वो आपकी एसेट थी, और फ़ायदा हो रहा है ना, 10 लाख से वो 10,50,000 पे चली गई, फ़ायदा हो रहा है, यानी इनकम एंड गेन जाते हैं क्रेडिट साइड पर। तो आप क्या करोगे, इंक्रीज इन एसेट, ठीक है, एसेट का नेम लिखोगे, इंक्रीज इन एसेट मतलब जिस भी चीज़ में इंक्रीमेंट आया, जैसे कि लैंड आया तो लैंड लिख दोगे, बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग लिख दोगे, ठीक है। अभी हम लैंड का एग्जांपल ले रहे थे, तो मुझे कितने का फ़ायदा हो रहा है, 50,000, क्लियर है। उसके बाद एक लाइबिलिटी हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी, वर्कमैन कंपनसेशन का एक क्लेम था सपोज, ठीक है, 5,000 का, और बाद में जाके पता चलता है कि वो क्लेम है ही नहीं आपके ऊपर, अब आपको देने की ज़रूरत नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, लाइबिलिटी कम हो गई ना, थी नहीं, अब तो लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो आप क्या करेंगे, फ़ायदा है ना आपको, तो इसीलिए डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ठीक है, कितने की थी, 5,000 की थी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, नाम आ जाएगा जो भी लाइबिलिटी है उसकी, वो क्वेश्चंस में गिवन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सपोज करते हैं हमने जब बुक्स को चेक किया, हमने अपने फॉर्मेट्स चेक किए, हमने अपने बिल्स चेक किए, तो हमें एक कंप्यूटर ऐसा मिला जिसकी हमने रिकॉर्डिंग बैलेंस शीट में नहीं कर रखी, बट हमने वो परचेज किया था। कई बार देखो अकाउंटेंट है, बनाते हुए मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन बीइंग है, गलती हो गई, बिल देखा उनको पता लगा एक कंप्यूटर पड़ा था लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब क्या होगा, अगर आपके पास एक कंप्यूटर अचानक से आ जाए, मतलब आपको पता लगे मेरे पास 10 कंप्यूटर्स थे और एक और एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है मेरे पास जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो मेरे कितने हो गए, 11 कंप्यूटर हो गए, यानी मुझे फ़ायदा हो रहा है ना, तो फ़ायदा है तो इसीलिए क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। यानी आपको अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट पाए मिल जाए जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है, वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे। सपोज करते हैं वो कंप्यूटर था आपका 50,000 का, ठीक है, तो अब ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, सिर्फ यही चीज़ें आती हैं इसमें। अब करेंगे क्या, अब आप ये चेक करेंगे कि हमने भैया यहाँ ये और ये तो डाल दिया, अब देखिए ज़रा कि वैल्यूज़ को रिवैल्यूएशन करने के बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि जो भी हो रहा होगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आर के आने से पहले हमें सारा काम ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने इधर देखा 50,000 1 लाख एंड 1,05,000 बन गया ये वाला, इधर हमने देखा 2 लाख एंड 2,03,000 2,04,000 कौन सी साइड ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है, ये वाली कम आ रही है, इसका मतलब जो भी बैलेंस फिगर बन रहा है वो इस तरफ बनेगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे जो भी बैलेंसिंग फिगर है आपका, ठीक है, बाय क्या आएगा यहाँ पर बताइए, देखिए ये कौन सी साइड है इनकम की, ये कौन सी साइड है एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, यानी आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, तो आप लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, कितने का लॉस हुआ, 204,000 में से 105 आप लेस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज 99,000, तो आप यहां पर डाल देंगे कि हमें 99,000 का लॉस हुआ, देन यू विल क्लोज द अकाउंट, ठीक है, डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर दिया आपने। और ये वाला जो लॉस आया है ये किस में बढ़ जाएगा, पी एंड क्यू में, किस रेशो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, अगर मेंशन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेंशन नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप, यानी डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो 99,000 को हाफ कर दोगे इसका बन जाएगा, और उसी तरह 99,000 का हाफ इसका शेयर बन जाएगा, इक्वली देना है आपने 1:1 रेशो में, जो भी अमाउंट आएगी वो आप अंदर की तरफ शो कर दोगे, क्लियर हो गया। ये तो था रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बोला जाए, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं, तो आपको जर्नल एंट्री भी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड द जर्नल एंट्रीज। देखिए जर्नल एंट्री, फर्स्ट व्हेन डिक्रीज इन एसेट, देखिए यहाँ एसेट का मतलब कुछ भी है, करंट एसेट भी है एंड फिक्स्ड एसेट भी है, दोनों तरह की एसेट्स हैं, ठीक है। अगर आपकी डिक्रीज हो जाती है एसेट में तो आपको क्या करना है,
देखिए ये जो रिवैल्यूएशन है ये एसेट्स या लाइबिलिटीज की वैल्यू में होने वाले चेंज की वजह से जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, अगर आपकी एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, कि मेरे भैया मेरे पास एक चीज़ पड़ी थी जिसकी एसेट की वैल्यू कम हो गई तो मुझे तो नुकसान हो रहा है। नुकसान के लिए डेबिट वाला रूल, ठीक है, नुकसान डेबिट होता है, इनकम्स क्रेडिट होती हैं। अब डेबिट के लिए, नुकसान के लिए क्या वर्ड यूज़ करना है, रिवैल्यूएशन वर्ड करना है, तो एंट्री में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। यहाँ पर उस एसेट का आपको नेम मेंशन करना है, अगर नेम नहीं दिया हुआ तो आप एसेट लिख सकते हो, अगर नेम गिवन है तो आपको नेम ही लिखना पड़ेगा एसेट का। क्लियर हो गई। सेकंड बात आपकी क्या आती है, व्हेन इंक्रीज इन लायबिलिटी। सपोज करते हैं आपकी लायबिलिटी में इंक्रीमेंट आता है तो सीधी सी बात है, लायबिलिटी क्या है, आपने किसी की पेमेंट करनी थी और वो बढ़ गई, किसी को 20,000 देने थे अब 30,000 देने हैं, बढ़ गए 10,000 का और घाटा हो रहा है मुझे, ठीक है, अगेन लॉस हो रहा है ना, तो इसीलिए रिवैल्यूएशन आ जाएगा डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, ठीक है, उसका नेम, लायबिलिटी का नेम। देन थर्ड ले लेते हैं, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जैसे ये वाली, व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सपोज करते हैं आपके पास एक लायबिलिटी थी जो आप रिकॉर्ड करना भूल गए, अगेन आपको लॉस हो गया ना, क्योंकि अब आपको वो पे करना पड़ेगा, तो एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन में उस रिकॉर्डेड लायबिलिटी का नेम गिवन है तो आप लिखोगे, नेम नहीं गिवन है तो यही वर्ड आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ, व्हेन इंक्रीज इन एसेट्स। देखिए अगर आपकी एसेट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है तो आपको फ़ायदा होता है। सपोज़ आपके पास फर्नीचर पड़ा था, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आपके फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है ना, आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए फ़ायदे के लिए आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में करोगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन क्या है, इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो टू रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट में हो गया, तो डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में किसके अगेंस्ट हुआ है, एसेट के अगेंस्ट हुआ है, तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट का नेम गिवन होगा तो लिख देंगे आप। नेक्स्ट, व्हेन डिक्रीज इन लायबिलिटी। सपोज करते हैं आपकी कोई लायबिलिटी थी जो आपको पे करनी थी बट बाद में जाके पता चलता है कि अब वो देनी नहीं है। ठीक है, किसी को कोई पेमेंट करनी थी मगर वो देनी ही नहीं है, इसमें इसका मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा होने के लिए अगेन रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा लायबिलिटी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, देन सिक्स्थ, जब आपके पास कोई ऐसी एसेट मिल जाए जो पहले नहीं थी अब लिखनी है, तो एसेट में इंक्रीमेंट हो गया ना, जैसे हमने देखा था कि एक कंप्यूटर, अचानक से पता लगा कि कंप्यूटर हमारे पास एक और पड़ा हुआ है तो वो मुझे फ़ायदा दे रहा है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट आपने क्या करना है, टू रिवैल्यूएशन ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपको फ़ायदा दे रहा है, और ऊपर क्या हो जाएगा, उस चीज़ का नाम जिसके अगेंस्ट आपको फ़ायदा हुआ, एसेट अकाउंट डेबिट। क्लियर है। उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, देखिए जर्नल एंट्रीज आपको इस तरीके से बनानी है, लास्ट में आपको प्रॉफिट या लॉस भी तो चेक करना है। अब अगर अकाउंट बना रहे हो तो बहुत ईजी है चेक करना, है ना, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया आपने, अगर ये वाली इनकम वाली साइड ज़्यादा आ जाती, ये वाली साइड शॉर्ट पड़ जाती तो डिफरेंस इधर बन जाता, वो प्रॉफिट हो जाता, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, इधर लॉस है तो इधर प्रॉफिट है। लेकिन अगर अकाउंट नहीं बनाया मैंने, मैंने तो जर्नल एंट्रीज बनाई है, तो मैं क्या करूँ, बहुत आसान सा तरीका है, आपको क्या करना है, अगर तो आपके पास प्रॉफिट शो हो रहा है, मींस कैसे पता चलेगा आपको कि ये प्रॉफिट हो रहा है, जहां जहां पर रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है ना, उन सबको टोटल करते जाना है आपने। जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में सपोज आपके पास कितना था, यहां पर हम मान के चलते हैं कि ये था हमारा 2 लाख। ठीक है, ये हमारी इंक्रीज इन लायबिलिटी थी 3,000, देन ये कितना था हमारा 1,000, और क्रेडिट में रिवैल्यूएशन कितना था, ये देखिए मैं यहाँ से अमाउंट पोस्ट कर रही हूँ, एसेट टू रिवैल्यूएशन, ये वाली अमाउंट, दैट इज़ 50,000।
ठीक है। सेकंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ये था डिक्रीज इन लाइबिलिटी, दैट इज 5000, ठीक है। और अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे पास पड़ा है 50,000, ये हमने उठाया 50,000। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, क्या करोगे, जहां जहां पर डेबिट में रिवैल्यूएशन लिखा है उन सबका टोटल कर लोगे। ये देखिए डेबिट में 3 है आपके पास, 2,04,000 आ गया, इसके आगे लिख दो डेबिट, ठीक है। यानी कि ये हमारा लॉस है, डेबिट का मतलब ये हमारा लॉस है। और इसी तरह क्रेडिट वाले सारे, जहां जहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखा हुआ है उनको सबको टोटल कर लो। उन सबका टोटल आपने किया तो क्रेडिट में आपका टोटल कितना बन रहा है, 50 + 1,05,000 बन रहा है, ठीक है। क्रेडिट का मतलब ये आपकी इनकम्स हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों को माइनस करके अमाउंट निकाल लेनी है। जब आपने इन दोनों को माइनस किया आपको मिलता है 99,000, कौन से वाला, डेबिट वाला, क्योंकि बड़ा कौन है, डेबिट, और डेबिट का मतलब है लॉस। तो यानी कि देखिए बिना अकाउंट बनाए आपको पता चल गया एंट्रीज के थ्रू कि आपको लॉस हुआ है। समझ आया कैसे करना है, जहां जहां पर डेबिट में लिखा है रिवैल्यूएशन उन सबका टोटल, जहां जहां क्रेडिट में लिखा है उन सबका टोटल, फिर डेबिट और क्रेडिट माइनस करके 99,000 आया। डेबिट वाली आइटम बड़ी है यानी कि लॉस हुआ है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री आप पोस्ट कर देंगे। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री कहां से बनेगी, एंट्री आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना लॉस, तो एंट्री बन जाएगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये देखिए यहां बना हुआ है क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब ये कुछ बच्चे ये भी पूछ बोल सकते हैं या सोच सकते हैं कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिख रखा है तो ये तो हमारी इनकम हो गई ना, ये कैसे क्रेडिट में आ गया। तो आप ऐसा मत सोचिए, आपका जो लॉस हुआ है कितना हुआ, 99,000 का, आप उस लॉस को बांट रहे हो यानी आप उस लॉस को खत्म कर रहे हो ना, पार्टनर्स को देके उसको खत्म कर रहे हो। और जो चीज खत्म करनी होती है मैंने आपको बताया वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं, तो इसीलिए डेबिट की जगह रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आया, क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर प्रॉफिट होता रिवैल्यूएशन का तो बहुत ही आसान है, एंट्री क्या बनती, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, ठीक है, क्वेश्चन खत्म। ये एंट्री थी आपकी लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की एंड दिस वन इज फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर हो गया यहां तक। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया, एंट्रीज बता दी, अकाउंट बना दिया, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो छोटी छोटी बातें बताना चाहती हूँ। देखिए कई बार क्या होता है कि जो एडजस्टमेंट दी होती है उसमें वर्ड दिया होता है या तो टू या तो एट, तो इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज उसने बोला कि बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 5 लाख, इसका मतलब कि आज की डेट में आपकी जो मशीन है या बिल्डिंग है उसकी वैल्यू है 5 लाख, पहले कितनी थी और अब कितनी है, अब 5 लाख है, तो दोनों का डिफरेंस करके आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसने बाय वर्ड लिख दिया, लाइक उसने लिख दिया मशीन वैल्यू इंक्रीज बाय 50,000, इसका मतलब आपको यही एग्जैक्ट वैल्यू उठा के रिवैल्यूएशन में डालनी है, समझ आ रही है बात। अगर ये वर्ड दिखेंगे तो मार्केट वैल्यू है ये, और जो पहली बैलेंस शीट में दी होगी दोनों का डिफरेंस करके लिखना है। अगर आपको बाय वर्ड दिया होगा तो हमेशा जो वैल्यू दे रखी है एडजस्टमेंट में एज इट इज वही वैल्यू उठ के जाएगी, डिफरेंस नहीं करना। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है कि वैल्यू इंक्रीज हुई है 50,000 से या वैल्यू डिक्रीज हुई है 50,000 से, उसने खुद ही बता दिया ना कि कितने से हुई है, तो डिफरेंस उसने खुद ही बता रखा है, इसलिए आपको डिफरेंस करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर वो कह देता है दैट पेटेंट्स आर वैल्यूलेस या कोई भी चीज़ वैल्यूलेस, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई, वो अब निल हो गया है, ठीक है। और अगर ऑब्सोल्यूट या डेप्रिसिएशन वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि आपको डेप्रिशिएट करना है, जैसे आप डेप्रिसिएशन में ऑलरेडी कर चुके हो चैप्टर के अंदर, 10% बिल्डिंग है 1 लाख की, 10% लगाना है तो आप क्या करोगे, 1 लाख का 10% करोगे 10,000, इतने से आपने डेप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है यानी कि वैल्यू कम हो रही है तो लॉस हो रहा है, इसीलिए वो 10,000 इधर शो हो जाएगा, बात समझ आई है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, मींस फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं 5:3 रेशो के साथ,
मैं आपको रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स करवा रही हूँ. पॉइंट नंबर वन देखिए, प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 5000. प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एक तरह की लाइबिलिटी होती है, ठीक है, कि सैलरीज में से आपने एक पीएफ काटा हुआ है एम्प्लॉय का और वो अब आपने इंक्रीज कर दिया 5000 से. देखिए बाय वर्ड आ गया, इसीलिए आपको जो अमाउंट दे रखी है एज इट इज वही अमाउंट आपकी चली जाएगी. खुद ही बता दिया उसने कि लाइबिलिटी 5000 से इंक्रीज हुई है. लाइबिलिटी है, लॉस है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी आप इधर लिख दोगे टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है, कितने से हुआ है 5000 से, यू हैव मेंशन्ड. पॉइंट नंबर टू देखिए, ऑल डेटर्स आर गुड, सभी डेटर्स अच्छे हैं, यानी कि डेटर्स पे हम जो प्रोविजन लगा रहे थे दैट इज 600, उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास सारे के सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे, डेटर से सारा पैसा मिल जाएगा. सो देयर इज नो प्रोविजन रिक्वायर्ड, किसी प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है. तो यानी कि प्रोविजन अगर आप हटा दो, 20,000 में से 600 माइनस करके आपने दिखाया हुआ है ना, अगर आप ये प्रोविजन हटा दो तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 20,000. यानी डेटर्स बढ़ गए, डेटर्स बढ़ रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है, तो आप यहां लिख दोगे बाय डेटर्स, सॉरी बाय प्रोविजन ऑन डेटर 600 से बढ़ा, आपका फायदा हो गया. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टॉक इंक्लूड्स 3000 फॉर एब्सोल्यूट आइटम्स. स्टॉक में 3000 की अमाउंट जो है वो एब्सोल्यूट हो गई है, आउट ऑफ फैशन हो गई है, ठीक है. अब स्टॉक में से 3000 की वैल्यू ऐसी है जो डेप्रिशिएट हो गई, यानी कि कम हो गई है, तो यानी आपको नुकसान हुआ, आपकी एसेट कम हो गई है, नुकसान हो रहा है ना, तो डेबिट साइड पर आपने लिख देना है टू स्टॉक, कितने से हुआ है दैट इज 3000, ठीक है. वो कहता है स्टॉक में 3000 की वैल्यू एब्सोल्यूट हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गई, खराब हो गई, ठीक है, डिक्रीज हो गया आपका स्टॉक. नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड, क्रेडिटर को पेमेंट करनी है 1000 मोर, यानी 1000 ज्यादा देनी है. क्रेडिटर कौन होते हैं? लाइबिलिटीज. अब आपके पास क्रेडिटर पड़े थे 15,000, बट आपको 1000 मोर देने पड़ रहे हैं, यानी 16 देने पड़ रहे हैं, तो आपको 1000 का क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है. तो आप यहां लिख दोगे टू क्रेडिटर्स, क्योंकि आपका ये नुकसान है 1000, ठीक है. नेक्स्ट आता है फिक्स्ड एसेट आर टू बी रिवैल्यूएड एट, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी नई वैल्यू कितनी हो गई है? 70,000. एट वर्ड है, मार्केट वैल्यू है, मैंने आपको बताया था, ऐसे केस में डिफरेंस निकालना पड़ेगा. देखिए फिक्स्ड एसेट पहले थे 80 और अब रिवैल्व करके कितने हो गए? 70, यानी कि डिक्रीज हो गए 10,000 से. अगेन आपके पास लॉस है, तो आपने यहाँ लिख दिया टू फिक्स्ड एसेट, 10,000 का आपने लॉस शो कर दिया. क्लियर हो गया, आगे कोई एंट्री नहीं है इसकी. अब हम क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट या लॉस चेक कर लेंगे. बहुत आसान है, इस साइड का टोटल कीजिए 10,000, 15,000, 18 एंड 19,000. ये 19,000 है और इधर तो सिर्फ 600 है, तो सीधी सी बात है यहाँ मुझे लॉस हुआ, तो मैंने लिख दिया बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है. कितने का? 18,400 का, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मिस्टर एक्स एंड वाई इन 5:3 रेशो में, यानी कि 5/8 करके आप इसका हिस्सा निकाल लोगे और 3/8 करके इसका हिस्सा निकाल लोगे 18,400 पर, और निकाल के यहाँ वैल्यूज शो कर दोगे. है ना कितना आसान, ठीक है. अब आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.